Next question. Question says two weights W1 and W2 are connected by a light thread which passes over a light smooth pulley. If the pulley is raised upwards with an acceleration equal to G, सवाल ये है, then the tension in the thread will be, और हमारे ऑप्शन है twice W1 W2 divided by W1 plus W2, इस टर्म में अपने को आंसर दिए हुआ है. ना सवाल ये थोड़ा सा मैथमेटिकली लंबा है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर होंगे. सो ऑफकोर्स इट्स नॉट अ ईजी क्वेश्चन, ठीक है, बट इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो से फॉर एग्जाम्पल ये अपना स्नैरियो है कि ये आपका मास मान लीजिए M1 है और ये आपका मास M2 है. तो इसको जब हमने पुली पे ऐसे लटकाया हुआ, लेटर से आपका M2 हैवी है, तो उस केस में ये आपका A एक्सेलेरेशन से नीचे जाता है, ये आपका A एक्सेलेरेशन से ऊपर जाता है, और ये पुली आपकी ऐसे स्टेशनरी अगर है तो ग्राउंड फ्रेम में जब आप देखेंगे तो इन दोनों का एक्सेलेरेशन आपका A अपवर्ड्स और A डाउनवर्ड आ जाएगा, लेट्स से दैट. नाउ इस सिनेरियो में हो ये रहा है कि ये पुली भी आपकी जी एक्सेलेरेशन से, एक्सेलेरेशन की कोई और वैल्यू हो सकती है, उससे आपकी ऊपर जा रही है. नाउ इस केस में अगर हम ग्राउंड फ्रेम से यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो इसका एक्सेलेरेशन, अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहे हैं, तो इस वाले का एक्सेलेरेशन आपका हो जाएगा जी प्लस ए, इस वाले का एक्सेलेरेशन होएगा जी माइनस ए अपवर्ड्स. ये दोनों ही एक्सेलेरेशन आपके अपवर्ड्स होंगे. नाउ सवाल ये है कि ये सर जी माइनस ए क्यों होएगा, ए माइनस जी क्यों होएगा. उसके लिए इसको ध्यान रखना कि कभी भी जब हम पुली ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं, उनका जब भी एक्सेलेरेशन हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा जी से कम आता है. तो अगर ये एक्सेलेरेशन मान लो g/2, g/3, g/5 कुछ भी है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उस केस में आपकी वैल्यू हमेशा जी से कम रहेगी. तो ये पूरा सिस्टम अगर जी से ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन जी प्लस ए हो जाएगा, इसका एक्सेलेरेशन जी माइनस ए होएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. और दोनों ही अब इवेंचुअली ऊपर जा रहे होंगे ग्राउंड के फ्रेम में. नाउ यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन आपकी टी है, यहाँ पे आपकी टेंशन टी है, ये टी की हमें वैल्यू बतानी है. एक और सवाल में थोड़ा सा ट्रिक है जिसमें कई स्टूडेंट फंस जाते हैं, वो ये है कि यहाँ पे अपने को वेट्स W1 W2 दिए हुए हैं, विच इज़ नथिंग बट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं W1 इज नथिंग बट M1G और W2 इज नथिंग दैट इज M2G, ठीक है, और आंसर हमें W1 W के टर्म में देना है. सो जैसे मौका मिलेगा हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है. तो इक्वेशन लिखना चालू करते हैं. तो इसका अगर फ्री बॉडी बना के हम इक्वेशन लिखें, हम कहें कि आपका Fnet इज इक्वल टू MA, इस टर्म की अगर हम इक्वेशन लिखें, तो ये ब्लॉक क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे टेंशन माइनस इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा नीचे M1G विल बी इक्वल टू M1 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका एक्सेलेरेशन है आपका जी प्लस ए, राइट. तो MG को फटाफट W1 में कन्वर्ट कर देते हैं M1G, तो ये हो जाएगा टी माइनस W1 विल बी इक्वल टू, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये बचेगा आपका W1 प्लस M1A, राइट. इसको इधर ले आए तो आप ये कह सकते हैं टी माइनस ये हो जाएगा इधर आके माइनस 2W1 इज इक्वल टू M1A, और इसको एक काम करते हैं M1 से और डिवाइड कर देते हैं, तो ये M1 यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है. सिमिलरली अगर सेकंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाएंगे, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ऑलराइट, लेट्स डू दैट. तो इस ब्लॉक के जब हम इक्वेशन लिखेंगे, ये भी अब आपका ऊपर जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी टी माइनस M2G विल बी इक्वल टू M2 और इसका एक्सेलेरेशन है जी माइनस ए. नाउ इसको अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो बन जाएगा टी माइनस W2 इज इक्वल टू W2 माइनस M2A. अगेन सिमिलरली इसको इधर ले आते हैं, ये आपका माइनस W2 हो जाएगा, M2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टी माइनस 2W2 डिवाइडेड बाय M2 विल बी इक्वल टू ए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. नाउ पहले और दूसरी को अगर हम इक्वेट कर दें, सो वी कैन से टी माइनस 2W1 डिवाइडेड बाय M1 विल बी इक्वल टू टी माइनस 2W2 डिवाइडेड बाय M2. नाउ यहाँ पे हमें बस कैलकुलेशन करते हुए ध्यान रखना है कि हम उसमें कोई गड़बड़ ना कर दें, ठीक है. सो एक काम करते हैं, फिर कलर चेंज कर लेते हैं. चलो अब इसको M2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको M1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं M2T माइनस ट्वाइस M2W1 विल बी इक्वल टू M1, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा एक यहाँ पे माइनस साइन था, वो ये मिस हो गया. सो ये वैल्यू आई थी माइनस ए, यहाँ पे ध्यान रखना माइनस से होएगा, तो जब ये इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस और यहाँ प्लस आ रहा होगा साइन, यानी ये ध्यान रखना.
तो ये बना आपका माइनस एम वन टी प्लस ये बना आपका ट्वाइस एम वन डब्ल्यू टू, ठीक है। ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नाउ टी वाली टर्म एक साथ ले आते हैं और दूसरी टर्म एक साथ ले आते हैं, तो इसको जब इधर लेके आएंगे दिस विल बी एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाई टी विल बी इक्वल टू, ये टर्म उधर जाके हो जाएगी आपकी ट्वाइस, पहले इसको लिख लेते हैं दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू वन एम टू, एक काम करते हैं टू भी कॉमन ले लेते हैं, प्लस ये बचेगा ट्वाइस एम वन डब्ल्यू टू, और विच एम्प्लाइज अगर इससे हम डिवाइड करते हैं विच एम्प्लाइज टेंशन टी दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस, ये ऊपर आया डब्ल्यू वन एम टू प्लस ट्वाइस एम वन डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय आपका एम वन प्लस एम टू। नाउ इसको हमें फाइनल आंसर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू की टर्म में बताना है, तो इसी चीज़ को हम जी से मल्टीप्लाई कर दें और जी से डिवाइड कर दें, तो ये जो आपकी टेंशन है इसकी जो टर्म है ये अब ये आपकी टर्म बन जाएगी ट्वाइस, ये बनेगा एम टू जी, एम टू जी का ये बन जाएगा आपका डब्ल्यू टू, तो यानी कि हो जाएगा डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू प्लस ये जब जी से मल्टीप्लाई होगा एम वन जी आपका, ये हमें पता है एम वन जी इज डब्ल्यू वन, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू वन मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय नीचे आपकी टर्म बन जाएगी एम वन जी वन सॉरी एम वन जी प्लस एम टू जी यानी कि डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, तो आपके जो फाइनल रिजल्ट है टी वो आ गया ये ऐड होके, ये बन जाएगा फोर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन थ्री वुड बी द करेक्ट आंसर।